नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और मैं नरेश शर्मा। चैलेंज न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम खबर पढ़ रहे हैं गाजियाबाद से, जो कि गांधी जी पर विवादित बयान देने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एक बार फिर मुकदमा दर्ज हो गया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री नरसिंहानंद जी ने बापू को गंदगी बताया है। इन्होंने ही वसीम रिजवी का धर्मांतरण भी कराया था। कालीचरण महाराज के बाद अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। यति नरसिंहानंद ने गांधी को गंदगी बताया। उन्होंने हरिद्वार से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमने तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है। गांधी नाम की गंदगी के कारण कालीचरण महाराज को, जिन्होंने गिरफ्तार किया है, कांग्रेस ने की सरकार ने बहुत ही बेशर्मी भरा काम किया है। बता दें कि यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत हैं। 6 दिसंबर 2021 को उन्होंने सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का धर्मांतरण कराया था। साथ ही रिजवी को नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी दिया था। नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि गांधी के बारे में कालीचरण महाराज ने जो कुछ भी कहा है, हम उससे 100% सहमत हैं। सभी परिस्थितियों में हम कालीचरण महाराज के साथ हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द उनकी जमानत होगी और वे बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उनकी जमानत में देरी की गई तो हम लोग वहां जाकर उनके लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा, मैं सभी संतों भक्तों से कहना चाहता हूं कि कालीचरण महाराज का साथ दीजिए, हर उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो धर्म के लिए लड़ रहा है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में देश के जाने माने 76 वकीलों ने जिन 9 साधु संतों के खिलाफ हेट स्पीच की चिट्ठी लिखी है, उनमें नरसिंहानंद गिरी का भी नाम है। वह अक्सर विवादित बोल के लिए चर्चाओं में रहते हैं, इसके चलते उन पर कई बार मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में उन पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी भी की थी, हालांकि प्रशासन ने यह फाइल लौटा दी थी। क्या कहा था कालीचरण महाराज ने, एक बार हम आपको ये सुनवा देते हैं, बता देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई धर्म संसद के समापन दिवस पर 25 दिसंबर को महाराज से आए कालीचरण महाराज ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मकसद राजनीति के जरिए राष्ट्र पर कब्जा करना है। 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथूराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। इस बयान के चलते 30 दिसंबर को खुजराव से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह की धमकी और इसी तरह के हेट स्पीच पहले भी दिए गए हैं। अभी हाल ही के समय में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि याद रखो, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मोदी हमेशा नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश जरूर हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, उस समय आपको कौन बचाएगा। इस तरह की खुली चेतावनी और चैलेंज धमकी भरा ये किसी सभा में इन्होंने कहा था, लेकिन इन पर अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने या पुलिस प्रशासन नहीं की है। ये दोहरा मापदंड यहाँ इस देश में पहले भी कई बार किया जा चुका है। इन्हीं के भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, 23 जुलाई 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था और उस भड़काऊ भाषण के आरोप इन पर लगे थे। इन्होंने कहा था कि 15 मिनट वाले बयान से अभी भी काफ़ी लोग दहशत में हैं। साथ ही इन्होंने लोगों से कहा कि 15 मिनट वाले बयान से जो लोग दहशत में हैं, इस तरह से बजरंग दल और आरएसएस वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारी फेहरिस्त में बहुत सारे मौलाना और मौलवी हैं जो हर रोज़ कोई ना कोई हेट स्पीच देते रहते हैं, लेकिन देश, इस भारत देश में इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि दूसरे धर्म के लोगों के
हेट स्पीच पर उन पर कार्रवाई की जाती है तो इसका संज्ञान ना ही सुप्रीम कोर्ट लेती है ना ही इस देश की हाई कोर्ट लेती है। इस तरह का अगर रवैया रहा तो हिंदुओं में भी इस तरह के माहौल बिगड़ने की आशंका रहेगी। आप देखते रहें चैलेंज न्यूज़, नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार।